हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बना रहे हैं स्पेशल कढ़ी पकोड़ा। इस रेसिपी को आप भी अपने घर पे बनाइए और आई एम श्योर कि आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं अनियंस को जल्दी से चॉप। अनियंस को चॉप करने के बाद हमने कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया है और तब तक हम मिक्सचर रेडी करते हैं। चॉप किए हुए अनियंस में अब हम डालेंगे 3 टेबलस्पून्स ग्राम फ्लोर। अब हम इसमें डालेंगे जीरा, अजवाइन। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑफ कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर एंड 1 टेबलस्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर। और इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट। यहाँ से हमारा मस्टर्ड ऑयल जो है वो अच्छे से हीट हो गया है, तो हम अपने पकोड़ों को कर लेते हैं फ्राई। पकोड़े अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, तो हम एक एक करके सबको निकाल लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अब हम मिक्सी के जार में लेंगे 2 टेबलस्पून ऑफ ग्राम फ्लोर, 1/2 टेबलस्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर और थोड़ी दही डाल देंगे और जीरा पाउडर, और इसको अच्छे से ग्राइंड कर देंगे। ग्राइंड करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। और यहाँ से हम अपने बाकी पकोड़ों को भी निकाल लेते हैं जो कि डीप फ्राई हो चुके हैं। हमारे सारे पकोड़े हो गए हैं अच्छे से फ्राई। अब हम गार्लिक के एक स्लाइस को कर लेते हैं अच्छे से चॉप। कढ़ी बनाने के लिए हमें चाहिए थोड़े से मसाले, तो चलिए आपको बताते हैं वो मसाले कौन से हैं। राई, हींग, लाल सूखी मिर्चें, तेज पत्ता, लहसुन, जीरा। तो हमने कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल लिया है। सबसे पहले हम थोड़ी सी राई डालेंगे। अब डालेंगे चॉप किया हुआ गार्लिक। अब हम इसमें डालेंगे लाल सूखी मिर्चें, तेज पत्ता, थोड़ी सी हींग और जीरा। आप इसमें करी लीव्स भी ज़रूर डालिए। अभी हमारे घर में वो अवेलेबल नहीं था, वरना हम ज़रूर डालते। अब हम डालेंगे ग्राइंड किया हुआ हमारा मिक्सचर, और इसको आपने तब तक मिक्स करना है जब तक इसमें एक बॉईल ना आ जाए। हमने अपने घर पे धनिया लगाया है, तो चलिए मैं आपको बाहर दिखाती हूँ। ये जस्ट अभी हमने लगाया है। इसके साथ में हमने 2-3 प्लांट्स मेलन के भी लगाए हैं। यहाँ से आ गया है हमारी कढ़ी में बॉईल, तो हम डाल देते हैं 1 टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट और हमारे पकोड़े। यहाँ पे मैं आपको स्पेशल टिप दूंगी कि आप सॉल्ट को बॉईल आने के बाद ही डालिए। सॉल्ट को एंड में डालने से आपका दही फटेगा नहीं और आपकी कढ़ी एकदम स्पेशल और टेस्टी बनेगी। देखिए फ्रेंड्स, ये कितनी अच्छी लग रही है। अब हम इसको लो फ्लेम पे थोड़ी देर ढककर रख देते हैं। अब इसको हम एक बोल में सर्व कर देते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी स्पेशल प्याज पकोड़ा कढ़ी है रेडी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।